हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जो डायमेंशन हमने इससे पहले पढ़ा था ना, अब उसके यूजेज हम किस किस काम में लेते हैं। तो पहला यूज है इसका, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के यूज आता है। जस्ट टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब कुछ सिस्टम तो आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, जैसे CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, याद आ गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS, फुट पॉन सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एक ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट और MKS नियर अबाउट सेम है। अब जैसे CGS लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में। FPS लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। ये मीटर लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ऐसा यूनिट भी नियरली यही है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, या हमें खुद सिस्टम बना देंगे नए, उनसे क्वेश्चंस को चेंज करना आना चाहिए, वो उसका इनका यूज है। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इस तरह से हमें सिस्टम को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब यह सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आप 5 kg राइस लेके आए, 5 kg राइस, अब इसको आपने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो इजीली आप लिख दोगे 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। ये तो सिंपल था, इसमें एक ही यूनिट आ रही थी यूज। अब कई ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह की यूनिट होंगी तो मैं दिक्कत होगी। तो वहां के लिए है, जैसे 5 kg, जैसे आपको बोलते हैं 5 न्यूटन, अब इसको CGS में कन्वर्ट करो। CGS न्यूटन की फोर्स की यूनिट थी, डाइन। तो आप ऐसे नहीं कन्वर्ट कर पाओगे जब तक तो ये नहीं पढ़ोगे। तो देखिए 5 kg, अब इसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से पहले भी मैंने बताया था, दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5, ये इसकी यूनिट kg, या न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 और ये इसकी यूनिट ग्राम। हर फिजिकल क्वांटिटी में होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखोगे, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखोगे, तो जैसे 5 kg और यही 5000 ग्राम, तो ये N1U1, N1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 इसका यूनिट। सिमिलरली N2U2, N2 दूसरे सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे सिस्टम की यूनिट। अब आपको इसका N1 नॉन है, सपोज आपको N2 फाइंड आउट करना है, तो N2 निकालो, इससे U2 नीचे चला जाएगा। तो N2 इक्वल टू N1, U2 नीचे गया, U1 अपॉन U2, N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। U1 U2 क्या यूनिट है, तो इसके फिर यूनिट के डायमेंशन भी होंगे जैसे हमने पढ़ा। अब जैसे U1 का मैं लिख रहा हूं M1 L1 T1, अब इसकी पावर अननोन है, जनरल बात कर रहे हैं हम, तो इनकी पावर लिख दी मैंने ABC। सेम वे U2, तो ये M2 L2 T2। एक ध्यान रखना, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को जब आप सिस्टम चेंज करते हो तो ये पावर चेंज नहीं होती है, एक पावर है तो यहाँ भी एक रहेगी, ऐसे नहीं है केजी है तो ग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पावर यहाँ आ रही ना ABC, तो ये भी यहाँ ABC ही रहेगा। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दो, इनके M1 L1 T1 ये वैल्यूज हो गई हैं, मास लेंथ टाइम की। ऐसे M2 L2 T2, ये पावर आ रही है, कितनी बार आ रही है, पावर उनकी क्या है। तो N2 = इसमें निकालने जाएंगे N1 U1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, M1 A L1 B, ये B मिट गया है, और T1 C अपॉन M2 A L2 B T2 C। और इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं N2 = N1, इस तरह से M1 upon M2 whole power A, L1 upon L2 whole power B, T1 upon T2 whole power C।
ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया कन्वर्शन के लिए, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एन टू इक्वल्स टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू होल पावर ए, एल वन अपॉन एल टू होल पावर बी, टी वन अपॉन टी टू होल पावर सी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, ये एम वन एल वन टी वन एन वन के डायमेंशन है, जिसको आप एन वन लोगे वो एन वन गिवन होगा, जो अननोन के डायमेंशन ही आएंगे, एन टू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके डायमेंशन एम टू एल टू और ये टी टू, ये एन टू के डायमेंशन आएंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं फिर इसकी एप्लीकेशन बता दो कैसे यूज आएगा। तो देखो ये लिख दिया मैंने एन टू इक्वल्स टू एन वन एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू वी, टी वन अपॉन टी टू सी। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब क्वेश्चन इस पे बेस्ड सिंपल सा, इससे पहले तो बता देता हूं, देखो दो फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं, एक तो फोर्स एक एनर्जी। अब फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट तो आपको आती है यस न्यूटन, लेकिन फोर्स की सीजीआई यूनिट होती है डायन, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, लेकिन सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ये याद रखना, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स की सीजीएस यूनिट डायन, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, एनर्जी की सीजीएस यूनिट अर्ग। और इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ये याद कर लेना, यहां लिख देता हूं फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस डायन, और एनर्जी की, एनर्जी को सिंपली ये लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल और सीजीएस अर्ग, इसको मैंने रब कर दिया। अब सबसे पहले आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम्पल इट्स बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट वन जूल इंटू, कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग। वन की जगह आपको सेवन सिक्स टेन कुछ ही नंबर भी दे सकता है, मैं सिंपली वन ले रहा हूं। कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग, इसका मतलब है जूल हम जानते हैं एनर्जी की यूनिट है, उसको एसआई यूनिट है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करके लाना है, तो अपने पास फॉर्मूला तो ये लगेगा। इससे पहले हमें पता लग गया एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखना होगा, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है याद करो, एनर्जी वही होता है जो बर्गन है, यस क्या आएगा डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। फोर्स जब भी डायमेंशन आप लिखने जाओ तो एनर्जी का, एनर्जी का वर्ग कैसे मिला है, तो वर्ग के लिए फॉर्मूला लगाओ एफ इन टू डी, पहले माइंड में एफ इन टू डी आएगा तभी डायमेंशन अपने आप लिख दोगे एम एल टू टी माइनस टू, तो एनर्जी का ही डायमेंशन हो गया। अब जो एम की पावर है उसको हम फॉर्मूले में क्या लिख रहे हैं ए, तो ए आपका क्या हो गया वन, यहाँ पावर कुछ नहीं तो वन है, और बी आपका क्या हो गया बी, एल की पावर वो हो गया टू, और सी क्या हो गया माइनस टू। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एन टू, अच्छा ये एन वन आपका बंजूल है, एन टू आपको फाइंड करना है, तो यहां ले देता हूं एंड एन वन कितना है वन, एन टू आपको फाइंड आउट करना है, तो लिखने जा रहा हूं एन वन, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं एम वन अपॉन एम टू ए, एल वन अपॉन एल टू बी, टी वन अपॉन टी टू सी। अब देखिए एन वन आपका वन, एन वन, एन वन मीन्स वन जूल, इससे तो लिया है वन, ये कौन सी यूनिट है एसआई यूनिट, तो एम वन एसआई यूनिट में मास क्या होता है, मास की यूनिट केजी, तो हमने लिख दी वन केजी। एम टू, एम टू इसके लिए आएगा एन टू, एन टू निकालने जा रहा हूं किसमें अर्ग, अर्ग हमने अभी पढ़ लिया, अर्ग कैसी यूनिट है सीजीएस, तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, और ए की वैल्यू क्या है वन। इधर आ जाओ एल वन, एसआई यूनिट में एल वन यस मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, और वी कितना है ये टू, टाइम एसआई यूनिट में भी टाइम सेकेंड वन सेकेंड,
और CGS में 10 1 सेकेंड और C की वैल्यू -2। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 1 kg का क्या लिखोगे 1000 ग्राम और 1 ग्राम और पावर 1, इधर 1 मीटर इक्व टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्व टू 100 सेंटीमीटर, दिस 1 1 सेंटीमीटर और पावर 2, सेकंड कट गया, 1 की पावर -2 या 1 की पावर कुछ भी हो बन रह जाता, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इनटू 1, तो वो नहीं लिखा। तो देखिए जी से जी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसकी पावर 1000 की कितनी है लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं रही है, N2 इक्वल्स टू ये आपका N11 L01 लिख देता हूँ, N2 ये पावर 1 है, जी से जी कट गया, सिर्फ क्या रहा 1000, इधर सेंटीमीटर कट गया, पावर कितनी है, ये 2 है, इससे आया है 2 पावर, 100 × 100, 2 पावर का मतलब 100 × 100, कितनी जीरो को काउंट करो 3 4 5 6 7, 10^7, ये N2 आ गया, N2 इक्वल्स टू 10^7, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला 1 जूल इक्वल्स टू 10^7 अर्ग, ये रिलेशन आ गया, ये कन्वर्शन हो गया, 1 जूल को CGS में अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। अब इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सिमिलर है जो आप सॉल्व करना, कन्वर्ट इसका रिवर्स कर रहा हूं मैं, कन्वर्ट 1 डाइन इंटू न्यूटन, कन्वर्ट 1 डाइन इंटू न्यूटन कर पाओगे, यस, ये फोर्स की CGS यूनिट है, ये फोर्स की SI यूनिट है। अब इसमें जब आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जब सॉल्व करने जाओगे N1 तो आपका क्या रहेगा 1, N2 आपको फाइंड आउट करना है, तो N1 CGS में रहेगा तो यहाँ ग्राम लिखा जाएगा और यहाँ KG, यहाँ सेंटीमीटर या मीटर, बस ये ध्यान रखना, इसको करना ठीक है, अगर नहीं आए तो मेल करके या कमेंट्स में पूछ लेना, फिर मैं दोबारा क्लास में बता दूंगा, तो इसका आप खुद से करना। अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, इसकी कुछ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा अब देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है, आ कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, आ कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, कैलोरी हीट का यूनिट है, हीट एनर्जी की तरह होती है, तो आपको भी पहले ही बता दिया है, एंड इट इक्वल अबाउट 4.2 जूल, एंड इट इक्वल अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 kg, 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑफ यूनिट्स इन विच, नए सिस्टम में क्या है, द यूनिट ऑफ अ मास इक्वल्स टू α kg, अपन ऐसा यूनिट में क्या लेते हैं 1 kg, ये कह रहा है न्यू सिस्टम में α kg, एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू बीटा मीटर, हम लेते हैं 1 मीटर, ये बोल रहा है बीटा मीटर न्यू सिस्टम में, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, टाइम का ले लिया गामा सेकेंड, सो दैट अ कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड 4.2, दिस इन द न्यू टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, तो न्यू यूनिट में जो कैलोरी है उसका ये आपका मैग्नीट्यूड बनेगा और ये विद यूनिट्स ये आएगा। अब इसमें देखिए ये जनरल है, इस जैसा वो अल्फा की जगह 10 लिख देगा, कहीं बीटा की जगह 5 लिख देगा, 100 लिख देगा, तो ये जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सब कुछ इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो आपका बेसिक फॉर्मूला वही है, सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, बेसिक फॉर्मूला N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 ए L1 अपॉन L2 बी T1 अपॉन T2 सी, ये किस क्या है आपके एनर्जी, तो एनर्जी का एक बार डायमेंशन याद करके बताओ, एनर्जी का सिंबल में लिख रहा हूं E, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यस याद हो गया, ML2 T-2, अब M की पावर या कुछ भी नहीं है 1, तो A की वैल्यू क्या हो गई, यहां लिख देता हूं A1,
एल को लिखेंगे एल की पावर टू, तो बी कितना है, बी टू और सी माइनस टू, और यहां पर जो एन वन वैल्यू दे रखी है उसने वो दी है 4.2 जूल, एन वन 4.2 जूल, और जूल ऐसा यूनिट है। अब इसको मैं यहां से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया है, इसके एबीसी की वैल्यू आ गई, एन वन गिवन है, वी हैव टू फाइंड एन टू। तो देखिए एन टू इक्वल टू एन वन कितना, यहां रखा हूं एन वन की वैल्यू 4.2, एम वन किस में, एसआई में, तो एसआई में क्या लिखोगे, एसआई, ये एन वन दिया ना आपको 4.2 जूल, एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में एम वन क्या होगा, एन वन का आएगा इसमें, एन वन एसआई है तो एम वन भी एसआई होगा, वन केजी। एम टू इसने खुद दे रखा है एल्फा केजी है इसमें, इस सिस्टम में मास कितना है एल्फा केजी, तो लिख दिया आपने एल्फा केजी, पावर इसकी है कितना है ये वन। अब एल वन ऐसा यूनिट है 1 मीटर, ये इसके लिए आएंगे एम वन एल वन टी वन, इसके लिए ये आपकी ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में एल वन 1 मीटर, और ये दूसरा यूनिट जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं लेंथ को, उसमें लेंथ दे रखा है यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू एरा बीटा मीटर, तो ये लिख दिया बीटा मीटर, और ये पावर बी कितना है टू, तो बी लिख दिया टू। अब टाइम ऐसा यूनिट में टाइम 1 सेकेंड, और यहां टाइम क्या दिया इसने गामा सेकेंड, तो ये लिख दिया गामा सेकेंड, और सी कितना है माइनस टू, तो ये लिख दिया माइनस टू। देखो केजी से केजी कट गया, तो एन टू इक्वल टू आप देख सकते हो 4.2, केजी से केजी कैंसिल आउट, एल्फा 1/α आएगा, ऊपर लेके जा रहा हूं एल्फा -1, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, बीटा की पावर 2 नीचे आएगी तो ऊपर जाके बीटा -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, गामा की माइनस पावर 2 नीचे आएगी तो गामा की पावर ऊपर क्या जाएगी ये 2, ठीक है, ये जो गामा की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आपका ये माइनस नहीं आएगा या 2 आएगा पॉजिटिव, तो गामा 4.2, एल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, गामा की पावर -2 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका एन टू इक्वल टू ये प्रूव हो गया 4.2, एल्फा -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, 4.2, एल्फा -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, ये एन टू की वैल्यू आ गई, ये प्रूफ हो गया। इस पे बेस्ड इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये जनरली अल्फा बीटा का मामा दे रखे हैं, वहां आपको वैल्यूज देगा, अल्फा बीटा की जगह न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन हैं, तो उनको ट्राई करना, फिर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन और फिर इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस के हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में।